क्या कुरान में इंसान की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जिक्र है? क्या इसका स्ट्रिंग थ्योरी से भी कोई ताल्लुक है? क्या अगर इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं? Perhaps the question is not very clear. Because the string theory has to do nothing with self-acquisition. Ek masla shayad research or scientific attitude ka aur ek self, the psychology of the self se taluk rakhta hai, apni understanding se. Self-acquisition, a galat process, self-understanding better process. अपने को अपने आप को मुसलसल इल्ज़ाम देना जालिम से मजलूम के दर्जे पे लाने के बराबर है. इट इज़ मॉरल, इट स्टिंक्स, बट अगर आप फैसला करें कि हमने ये काम करना है या नहीं करना, तो इसको तौबा कहते हैं, रजूए परवरदिगार को तौबा कहते हैं. और किसी ने शेख जुनैद से पूछा, जो महासर महासभी के साथ बैठे थे, तो रुका है उस्तादान वक्त तौबा क्या है? तो अबुल हारिस ने कहा, तौबा ये है कि गुनाह तुझे हर वक्त याद रहे. उसने कहा उस्ताद वक्त चुनाए, तौबा क्या है? उसने कहा तौबा ये है कि तुझे गुनाह कभी याद ना करना जरूरी, जब दोबारा पलटना जरूरी, जब उस रस्ते को तर कर उस खता का यादा नहीं कर, फिर उस पर सोचना क्या है? फिर क्यों मुजरम बनना है? हमने फैसला कर लिया कि जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसे नहीं होगा. यही तौबा का स्टाइल. जैसे इमाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि तर्क गुनाह तौबा आसान है, तर्क गुनाह मुश्किल. कई मरतबा ये तबीयत में हादसा पलटेगा, मगर सबसे ज़्यादा ये गुनाह दोबारा सेल्फ एक्विजिशन से पलट, क्योंकि बंदे मॉरल, इवन द क्लीनेस्ट मॉरल, व्हेन इट कीप्स ऑन स्टैंडिंग फॉर टाइम, इट स्टिंक्स. सो एक्विजिशन द्वारा स्टिंक. अलबत्ता जिसने हिदायत तलब करनी है, वो कहेगा साफ दिल से, साफ दिमाग से, कहेगा हो गई गलती, खता हो गई, आइंदा नहीं होगी, मे भी उससे फिर हो जाए. और इसमें मैं आज हदीस में खातिमा दूँ कि परवरदिगार ने मलाइका ने कहा, ऐ मालिक, के शख्स ने गुनाह किया है, इसने तुझे माफ़ी मांगी. अल्लाह पूछता है मलाइका से, क्या इसको पता है किसके गुनाह और खता को बख्शने वाला कोई है? फरमाया हाँ, ऐ परवरदिगार, इसको पता है कि कोई गुनाह बख्शने वाला है. कैसे कहा जो मैंने माफ़ किया? उसने फिर खता की थोड़ी अर्से के बाद इआदा किया उस अमान को, फिर तौबा की. मलाइका ने फिर अर्ज की, ऐ मालिक ओ करीम, ये तौबा कर रहा है, माफ़ी मांग. उसने पूछा मलाइका, क्या इसको पता है कि कोई बख्शने वाला है? मलाइका अर्ज किया परवरदिगार, हाँ, इसको मालूम है कि कोई बख्शने वाला है. कहा इसको कह दो कि मैंने इसे माफ़ किया. फिर उसने गलती की कुछ अर्से के बाद, सबर करने के बाद फिर कहा उसने, ऐ अल्लाह तुझसे माफ़ी मांग. तो अल्लाह मलाइका ने फिर कहा कि परवरदिगार, ये माफ़ी मांग रहा है. अल्लाह ने कहा, अच्छा, इसको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि कोई माफ़ी कर मांग देने वाला है, कोई बख्शने वाला है. ऐ मलाइका, इसे कह दो जो मर्जी कर रहे, मैं इसे बख्श दिया. हाजिर हजरात, इसमें कमिटमेंट पाई जाए, हमारी जबिल्लत ही, कोई जबिल्लत एक हद से बढ़ जाती, कहीं गुस्सा बढ़ जाता, उससे हम आकत होती, कहीं रंग बढ़ जाता, कहीं मोहब्बत बढ़ जाती, कहीं शहवात बढ़ जाती. अब वो एक टर्न में मदम नहीं होती, एक वाक्य या हादसे में कमज़ोर नहीं पड़ती, तसफात उबरते हैं, मगर उस पर काबू नहीं पा सकते, छा नहीं सकते. जब मुसलसल तजर्बात से गुजरता है बंदा, उसकी वो शिद्दत जबिल्लत भी कम होती है. और एक वक्त आता है वह नफ्स ममा सबहा, कि जब नफ्स इंसानी पे ये 50-50 बराबर हो जाती है, तब उसको खुदा की तरफ से तौफीक मिलती है और आइंदा वो कभी